हेलो सुरेंद्र जी। हाँ सर। हनुमान बेनीवाल। बिल्कुल साहब। हाँ सुनो मेरी बात, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके लिए। ये चलाने क्या प्रोग्राम कब तक चलाओगे आप? हम तो सर प्रोग्राम अगर मान लो अगर कोई आए अगर अधिकारी और हमको गए भाई अगर हम बीम से अगर मान लो वो करवा देंगे पास भाई बीम भर के जो होता है ना ये रोड का एक तो मतलब ये तो केवल ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो केवल ग्रेवल डालेंगे केवल। ग्रेवल कैसे है? मतलब केवल केवल मतलब वो डामर है ना डामर ऊपर ऊपर नाकिंग डालेंगे बस। नहीं नहीं डामर कैसे नाकिंग, मैं भेजूंगा सब लोगों को। आप एक आध दिन बैठो वहाँ पे ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ 19-10 तारीख तो है ही है। लेकिन मेरी बात सुनो, धरना दो जब एक तो पीने के पानी का ध्यान रखना, नींबू पानी वगैरह। नहीं बिल्कुल सर, धरना नहीं वो तो सारा है सर, वो तो है। कूलर लगा बिल्कुल बिल्कुल कूलर लगा रखे आपको जहाँ पे आपका स्टेज लगाया था ना वो रामला मैदान। आप चिंता ही मत करो, तुम धरना नहीं दोगे तो भी तुम्हारा काम होगा, धरना दोगे तो कुछ सीखोगे थोड़ा, धरने से नेता बन जाओगे दो चार नए। नहीं सर चौथा धरना दिया सर ये छोटा दिया, पांच चौथों को जब लड़ा देंगे कोई इनको चुनाव ठीक है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सर, चुनाव लड़ने की नहीं है सर हमारे तो सर सुरेंद्र। अरे मैं भाई मेरे करा दूंगा, तुम मस्त रहो, तुम मेरे होते हो धरना देने की जरूरत नहीं तुम्हें। लेकिन जब तुमने दे दिया ना तो अब इसको आजकल में कोई ना कोई मंडे तक वार्ता करा देंगे तुम्हारे ठीक है। बिल्कुल नहीं, आप अगर अगर आपका आना हो तो यहाँ पे वो भी रखा जाएगा। मैं आना होगा तो मैं आ जाऊंगा, आने की जरूरत नहीं बिना। अभी 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 विजय सिंह जी आके गए थे अभी जस्ट ठीक है। हाँ वो आके गए थे, वो बोल रहे थे विजय सिंह जी मैं एक यहाँ अलग थोड़े हैं। नहीं बिल्कुल वो बोल के गए थे भाई, मैं बात कर लूंगा उनसे हनुमान जी से। अब मैं एसपी कलेक्टर से बात करके कल और मंडे से पहले तुम्हारा काम करा।